ढाई साल के बाद ये प्रोजेक्ट हमने काउंसिल में डिस्कस किया, पास किया। उसका रीज़न ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर है टाउन में, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, जितने भी लोग थे उन सब से हमने बात की, मीडिया बरादरी के लोगों से बात की, सबको ऑन बोर्ड लेके जब जो हमारा प्रोजेक्ट है फेस लिफ्टिंग ऑफ अनंतनाग टाउन, तो उसमें ज़रूर जो कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो जब सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड आए, हमने इसमें हमारे पास एक ग्रांट इन एड होता है, ग्रांट इन एड में हमने इसको यहाँ से आरएनबी को जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है 40,35,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया और उसका काम शुरू कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक कंप्लीशन पे है। ऐसे प्रोजेक्ट्स अनंतनाग में और भी आने चाहिए और हम इस जमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, जो कि हमारे फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पीयूष सिंगला साहब है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं।